नमस्कार, आप देखें दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूँ जिला गुरुजी वीरेंद्र कुमार। आज झाझा प्रखंड आरसा अंचल कार्यालय के प्रांगण में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया किसानों के समर्थन में। दर्शकों का किसान लगातार आज आंदोलनरत है। देश दिल्ली में भी चारों तरफ से दिल्ली को किसानों ने घेर रखा है। अगर किसान है तभी देश है, ये हकीकत बात। अगर फसलें नहीं होंगी तो आपके तिजोरी में करोड़ों रुपया, वो तिजोरी में करोड़ों रुपया आपका किसी काम का नहीं आएगा, फसलें ही लोग खाएंगे। कई लोग हमारे साथ अभी मीडिया से अपना एक्सपीरियंस बताने का काम किया कि किसानों को क्या क्या सुविधाएं चाहिए, क्या क्या किसानों को लाभ देना चाहिए सरकार को, क्योंकि लगातार देख रहे हैं किसान आंदोलन में लगे हुए हैं। ऐसे में कई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं बात करके बताने का प्रयास करता हूँ। क्या उद्देश्य है श्रीमान? आज हम लोग इस धरना पर, ये धर्मदेव जी यादव जी का एक प्रयास है, ये गांव-गांव में घूम के आए। इन्होंने देखा कि जो धान किसान उपजा के अपने अपने खलिहानों में रखे हुए हैं, अभी उनकी अधिप्राप्ति का कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। किसान परेशान है, वो पूंजी लगा के वो सारा फसल उगा के खलिहान में रखे हुए हैं, खलिहान से उनकी धान की बिक्री नहीं हो रही है। और दूसरा जो इन्होंने गांव में भ्रमण के दौरान पाया कि ये जो अरवा चावल मिलता है राशन की दुकानों में, उसका जो है वो सदुपयोग नहीं कर पाते, चूँकि वो अरवा चावल खाने का आदि इस जगह के लोग नहीं हैं। यहाँ लोग उसना चावल का प्रयोग करते हैं और हम मांग करते हैं कि उसना चावल का जो है मुहैया कराया जाए जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को। हाँ बोलिए मनोज। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि सरकार, एक तरफ नरेंद्र मोदी ने कहे थे कि स्मार्ट सिटी में बनाऊंगा, लेकिन ये मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे देश में कोल्ड स्टोर सिटी बने, किसान सिटी बने, जिससे अच्छे अच्छे टेक्नीशियन मिले, जिससे हमारे देश के किसान लोग वहाँ से सीखे और फिर अपने देश के उत्पत्ति और देश के विकास। कोल्ड स्टोरेज कहाँ बनाने की मांग करते हैं, प्रखंड में, जिला में? नहीं, मैं चाहता हूँ हर प्रखंड स्तरीय कोल्ड स्टोर की हो व्यवस्था हो, जिससे हमारे किसान लोग मेहनत कर अनाज को रखें और फिर सही रेट पर वो सही समय पर निकाल के दे बाजार को। दिवसीय धरना कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, किसानों की मांग को क्या रखा जा रहा है, किसानों की तरफ से क्या मांग रखा जा रहा है? दो सूत्रीय हमारी मांग है। एक तो किसानों को बिना किसी हील हुज्जत के सरकार ने जो समर्थन मूल्य तय किया है 18.68 रुपया, वो गारंटी के साथ मिले। दूसरी हमारी मांग है कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर अभी अरवा चावल सरकार मुहैया करा रही है, जो हमारे फूडिंग हैबिट में नहीं है। हम खाते हैं उसना चावल, दिया जा रहा है अरवा चावल। तो हमारी मांग है सरकार से कि उस अरवा चावल की जगह उसना चावल मुहैया कराया जाए, लगातार मुहैया कराया जाए। एक चीज़ और है, अन्य प्रदेशों से प्रवासी मजदूर जो है अपने बिहार घर लौटे हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसी भी प्रकार की रोज़गार नहीं दिया जा रहा, इस पर क्या किया जा रहा है? प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने यूँ तो बहुत सारी घोषणाएं की है। यहाँ तक कहा गया था कि स्थानीय तौर पर उन्हें रोज़गार दिया जाएगा, उन्हें भत्ते दिए जाएंगे, लेकिन आज तक न तो कोई रोज़गार सृजन हुआ है और न किसी तरह का भत्ता उन्हें जो है दिया गया है। तमाम तरह से वे ठगे महसूस कर रहे हैं। प्रोडक्ट होता है, फायदा होता है।